आज हम हिंदी की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। हे मातृभूमि, रामप्रसाद बिस्मिल इन्होंने लिखी हुई ये जो कविता है, देश पर लिखी हुई है, मातृभूमि पर लिखी हुई है। रामप्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान बलिदान की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कविताएं ली हैं जो लिखी है जो देशभक्ति पर है। इस कविता में वो अपने विचार प्रकट करते हैं, मातृभूमि के लिए उनके मन में कौन से विचार है हम देखेंगे। सुनो। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश बोले तो मस्तक, उसका मतलब है मस्तक। नवाऊं झुकाना। देखो, मातृभूमि, मैं तुम्हारे चरणों में मेरा शीश झुकाना चाहता हूं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। मेरी जो भक्ति है तुम्हारे लिए, जो मेरी भक्ति है वो तुम्हारे शरण में ले मैं लाना चाहता हूं। देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश झुकाना चाहता हूं। मेरी भक्ति जो है, मैं वो भक्ति तुम्हारे शरण में लाना चाहता हूं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। देखो, माथे पे तू हो चंदन, उसको चंदन जैसा पवित्र माना है। जो मिट्टी जो है वो चंदन जैसा पवित्र है, माथे पे लगाई तो चंदन जैसे पवित्र लगती है। छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ हमेशा मेरी जीवा पर। जीवा मतलब जीव, मैं हमेशा तुम्हारा ही गीत गाना चाहता हूं। देखो, हर आदमी, हर एक का अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है। हम मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और रहना ये हमेशा हर एक का कर्तव्य रहता है। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपुत उपजे निर्माण हुई। देखो, इस धरती पर ही, ये मातृभूमि पर ही, अपने भारत भूमि में ही राम श्री कृष्ण जैसे सपुत अच्छे पुत्र। राम श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, ये भगवान ने हमें बहुत सारा संदेश दिया है। ये भगवान इसी मातृभूमि में उपजे हैं। उस धूल को तेरी निज शीश में चढ़ाओ, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाओ। देखो, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। माई मातृभूमि के लिए कहा है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। समुद्र हमेशा मातृभूमि के चरण धोता है। देखो, हम देखेंगे, यदि हम भारत भूमि का नक्शा देखेंगे, हमारी भारत भूमि बहुत तरफ से, तीन तरफ से कम समुद्र से घिरी हुई है। तो और उसका जो चरण है, भारत भूमि की निचली भूमि जो है, केरला के आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा समुद्र से घेरा हुआ है। और इसलिए कभी क्या कहते हैं, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। समुद्र रोज काय करतो है, त्याचे पाय धुतो आहे। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाओ। देखो, समुद्र भी मेरे मातृभूमि को क्या करता है, प्रणाम करता है। उस मातृभूमि के मैं चरण दबाना चाहता हूं। वो कभी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर।
त्याग कर छोड़कर मैं हर भेदभाव छोड़ना चाहता हूँ। जाति धर्म पंथ इससे जो भेदभाव चल रहा है ये सब छोड़कर मैं मातृभूमि तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ, तेरा नाम जो पुण्य नाम है मैं हमेशा सुनू और सुनाऊ, दूसरों के मुंह से मैं सुनू और लोगों को भी सुनाऊ, क्योंकि ये जो पवित्र नाम है तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ, तेरे ही काम आऊ तेरा ही मंत्र गाऊ, मैं हमेशा तेरा ही मंत्र गाना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ काम में आना चाहता हूँ। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊ, मेरा मन मेरा देह तुम्हारे लिए बलिदान करना चाहता हूँ। देखो ये तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला जो सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की थी, उनके मन में अपने देश के प्रति अपने मातृभूमि के प्रति कितने अच्छे भाव है, कितने विचार है। देखो यही भाव हर एक आदमी हर एक भारतीय के मन में होने चाहिए, तो ही हम ये हमारा सबका कर्तव्य है। ओके okay?